अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन नूडल स्नैक की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। चिकन जो हम मैरिनेट करेंगे, साथ ही साथ उसमें हम फ्राई नूडल्स लगाएंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के स्नैक बनकर तैयार हो गए। तो चलिए बनाते हैं चिकन नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसके इस तरह से देखिए लंबे पीसेस में टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे करना है मैरिनेट, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस। और अब इन सारे मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। साथ में हम 2 पिंच इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, जिससे चिकन में बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। और लाल मिर्च पाउडर का भी मैंने इस्तेमाल किया है, उससे भी कलर आता है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। आप कलर इसमें स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये चिकन को हमने मैरिनेट करने अब रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक चिकन को मैरिनेट करने के बाद उसमें हम डाल देंगे 1 अंडा, साथ में हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो पहले हमें 1 घंटे तक चिकन को मैरिनेट कर लेना है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अंडा और कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर लेंगे। और अब हम नूडल्स को बॉईल करने रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी गरम कर लिया है मैंने नूडल्स बॉईल करने के लिए। तो जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे नमक, साथ में 1 टीस्पून तेल, और अब हम रख देंगे उबलने के लिए नूडल्स को। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं नूडल्स के, हालांकि इसमें 1 ही पैकेट का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन ये मुझे दूसरी रेसिपी बनानी है तो मैंने 2 पैकेट नूडल्स को इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में नूडल्स एकदम आसानी से अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे और ड्रेन कर लेंगे, और उसके बाद नूडल्स पे इस तरह से छन्नी में रखकर ठंडा पानी इस पर डाल देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब 5 मिनट बाद अब ले लेंगे नूडल्स को एक प्लेट में। तो ये देखिए एकदम ड्राई हो गए हैं नूडल्स। अब इस पर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये 1 पैकेट जो नूडल्स मैंने लिया था, वो 1 पैकेट नूडल्स मैंने लिए हैं इसमें, उसमें मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें फ्राई करना है नूडल्स को। इस तरह से कॉर्नफ्लोर लगाने से बहुत ही क्रिस्पी जो है वो नूडल्स हमारे फ्राई हो गए। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर में नूडल्स को हमने अच्छी तरीके से कोट कर लेना है इस तरह से। और अब हम इसके चिकन रख कर हम इसे कोट कर लेंगे। तो थोड़े से नूडल्स हम इस तरह से ले लेंगे, उस पर हम रख देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे नूडल्स को। तो ये देखिए इस तरह से आपको बस फोल्ड कर लेना है और इसे साइड में रख देंगे। दूसरा एक मैं वापस करके बता देती हूँ। तो देखिए थोड़े से आपको नूडल्स ले लेने हैं, उस पर रख देना है चिकन और बस इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, क्योंकि हमने इसमें अंडे का भी इस्तेमाल किया है तो नूडल्स आसानी से चिपक जाएंगे। तो सारे चिकन नूडल्स को हम इसी तरीके से कोट कर लेंगे। तो ये सारे देखिए चिकन नूडल्स हमने कोट कर लिए हैं। तो अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के ये फ्राई होते हैं। अलट पलट करते हुए हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए
हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से अच्छे से गल भी जाए और नूडल्स भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, तो ये 5 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी। 4 से 5 मिनट में चिकन भी गल जाएगा क्योंकि हमने इसके पतले और लंबे पीसेस किए हैं, साथ में हमने इसे मैरिनेट भी किया है, तो चिकन भी आसानी से गल जाएगा और साथ ही साथ नूडल्स भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो अलट पलट करते हुए मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक निकाल लेंगे टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर। तो तेल निथार कर हमें ये नूडल्स चिकन को निकाल लेना है। तो आप भी इसी तरीके से ये आसानी से घर पर चिकन नूडल्स तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे और बहुत ही मज़े के। तो सारे चिकन नूडल्स हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने सारे चिकन नूडल्स को फ्राई कर लिया है और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें सॉस के साथ। और ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, आपको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी इसमें नूडल्स हुए हैं और चिकन भी अंदर से अच्छे से गल गया है। ये देखिए, और जो हमने नूडल्स इसमें लगाए हैं वो क्रिस्पी रहते हैं बहुत देर तक। ये देखिए, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।